दो विशेष विमान रांची एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। सर्किट हाउस में चल रही रणनीति और सर्किट हाउस से ही जिस तरीके से इन्हें आगे शिफ्ट करने को लेकर बड़ी खबर आ रही है, इस बारे में मेरे सहयोगी रुपेश हमें जानकारी दे रहे थे कि महागठबंधन के विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट करने की योजना है। वहीं आपको इस बीच ये भी बता दें कि अब से थोड़ी देर बाद हेमंत सोरेन की पेशी हो रही है कोर्ट में, और हेमंत सोरेन को लेकर पहुंचने वाली है अब ईडी की टीम। वहां पर हमारे सहयोगी रजनीश रंजन मौजूद है। रजनीश रंजन हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से समर्थक भी अब जहां पर पेशी होनी है वहां पर डटे हुए हैं, और यहां तक कि रजनीश अगर संभव हो तो एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि खबर तो यह भी सामने आई कि आम लोग भी यहां पर इस वक्त मौजूद हैं, यानी भारी भीड़, और उस दौरान पेशी की जा रही, और वो बॉडी लैंग्वेज जिसका रजनीश ने भी अभी जिक्र किया था कि रुपेश ने जिक्र किया था, रजनीश हाव भाव बिल्कुल सरल है, विक्ट्री साइन दिखाते हुए अभी भी जा रहे थे। बिल्कुल, देखिए कल रात को भी उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाया था जब वो राजभवन की ओर जा रहे थे। अभी जब ईडी दफ्तर से निकले हैं तब भी वो मैसेज दे रहे हैं अपने कैडर्स को कि वो आश्वस्त हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, और ये मैसेज है कि राजनीतिक तौर पर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। आपको तस्वीर दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर चारों तरफ लोग जमा हुए हैं, लोगों का बड़ा हुजूम आपको दिख रहा होगा। सामने सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्स है, झारखंड स्टेट पुलिस यहां पर है, आम लोग हैं, वकील बहुत बड़ी तादाद में हैं, और देखिए यहां पर भी आपको तस्वीर दिखाऊंगा, यहां पर जो सामने से नहीं देख पा रहे हैं वो लोग यहां गैलरी के पास खड़े हैं और ये भी देखना चाहते हैं हेमंत सोरेन को, एक ऐसे मुख्यमंत्री को जिन पर मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए कई गंभीर आरोप लगे, कई बार उनसे ईडी की पूछताछ हुई, गंभीर आपराधिक जो आर्थिक अपराध का मामला है उससे उनका नाम जुड़ा, और अंततः वो गिरफ्तार हुए, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, और अब प्रवर्तन निदेशालय उनको कोर्ट लेकर आ रही है। यहाँ पर जो एडिशनल जुडिशियल कमिश्नर हैं दिनेश कुमार राय, उनकी कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा, और इस पूरे मामले में अभी तक जो लोग हिरासत में लिए गए हैं, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके भी मामले इसी कोर्ट में चल रहे हैं। रांची में PMLA के दो कोर्ट हैं और ये माना जा रहा है कि दिनेश कुमार राय की कोर्ट में हेमंत सोरेन को पेश किया जाएगा जी। ईडी उनसे हिरासत की मांग करेगी, और जो इस पूरे मामले में जो भी अभी तक की जो टेक्निकलिटीज हैं, जो भी तकनीकी कानून बन सकते हैं हेमंत सोरेन के खिलाफ, बिल्कुल उन्हीं कानून पहलुओं को देखते हुए आगे हेमंत सोरेन क्या कदम उठाने वाले हैं, हालांकि इसको लेकर भी अगली बड़ी खबर आगे रखूंगी, लेकिन उससे पहले हेमंत सोरेन गुट के विधायकों और सहयोगियों की तरफ से क्या कहा गया सुनिए। प्रक्रिया आप सभी जानते हैं, टेक्निकल चीजों को आप सभी जानते हैं, हमारे पास पूरे बहुमत है, हमारे पास आंकड़े हैं। कल हम लोग वहां पे राज्यपाल भवन भी पहुंचे, क्यों नहीं हम लोगों को अंदर जाने दिया गया, क्यों नहीं हम लोगों को अपने संख्या बल को दिखाने दिया गया। इनफैक्ट न्यूज ये भी है लेने के लिए तैयार नहीं थे और समर्थन पत्र तक लेने के लिए तैयार नहीं थे, ये कहां तक उचित है। संवैधानिक पद में है, हम भी अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पास बहुमत है, हमें बुलाया जाए और हमारे नए जो विधायक दल के नेता है उनको ओथ लेना दिया जाए। हेमंत सोरेन देखो ये तो बदले की भावना से चल रहा है। आप बताओ पूरे देश में जहां जहां भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां ईडी नहीं जाती, वहां CBI नहीं जाती, जहाँ विपक्ष की सरकार है वहां जाती है, और वहां जाने के बाद वो लोग भी अगर इनके पास आ गए तो धुएं धुलाए बना देती है, लॉटरी में डॉलर लगती है, अगर वो इनके पास आ गए, इनकी पार्टी में गए तो वो स्वच्छ है।